महा कार्टून टीवी चोरनी चुड़ैल। आज तो मजा ही आ गया। इस आदमी के घर में तो बहुत सारा सोना और कीमती सामान था। ऐसे ही रोज चोरी करूंगी तो जल्दी ही मैं भी अमीर बन जाऊंगी। अब मुझे सुबह होने से पहले यहाँ से जाना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लड्डू लग रहे हैं। खा कर देखती हूँ। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आहा, इसे खाकर तो बहुत ही मजा आ गया। अब इनके उठने से पहले ही मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, हे भगवान, ये कैसे और कब हुआ? किसने इतनी हिम्मत की मेरे घर में चोरी करने की? हैं? क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे थे? हैं? सब ठीक तो है? हैं? ना जाने किस नासपीते ने मेरे घर में चोरी कर ली। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओ, मतलब आपने चोर को पकड़ लिया है? हैं? ओहो, उनका मतलब ये नहीं था। हैं? फिर क्या था? हैं? भाई साहब, आप इसे छोड़िए और जल्दी से जाकर पुलिस चौकी में थानेदार से चोरी की शिकायत कर दीजिए। हाँ, मैं जा ही रहा हूँ। मेरी मदद करो थानेदार साहब। किसी ने मेरे घर में चोरी कर ली है। कुछ करके उसे ढूंढिए। आई, हमारे क्षेत्र में चोरी, आई, वो भी हमारे होते हुए। आ, इनकी रपट लिखो और इनके घर चलो। मां कसम, कोई सुराग मिल जाए। हाय, इसके नाम का कुत्ता पालू। टिल्लू, पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। जी साहब। ओ जी साहब जी, क्या ये सारा लड्डू आप सब खाए थे? नहीं, वो चोर तो बड़ा ही बदमाश था, मेरे सारे लड्डू तक खा गया। आप परेशान मत होइए, हम जल्द ही चोर को पकड़ लेंगे। जैसे कल रात अच्छी कमाई हुई, वैसे ही आज रात भी हो जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ, हाँ, ये घर बहुत बड़ा है तो माल भी इसी में ही ज्यादा होगा। यूं ही हर दिन गांव के घरों में चोरी के मामले सामने आने लगे, जिससे सभी गांव वाले, पुलिस थानेदार और हवलदार बहुत ही परेशान थे और वो चोर को ढूंढने की हर नाकाम कोशिश कर चुके थे, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं आ रहा था। ये चोर तो बड़ा ही शातिर है, वो ऐसे समय चोरी करता है जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, जिस कारण आज तक किसी ने भी उसे नहीं देखा। और बिना किसी ठोस सुराग के हम उसे कैसे पकड़ेंगे? ये बच्चा इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ इसे? हाय, न जाने क्या हो गया मेरे सोनू को। सुबह से ऐसे काफी तेज बुखार है और कुछ बोल भी नहीं रहा। बेटा, क्या तुमने उस चोर को देखा था? मैंने उसे देखा था, वो एक चुड़ैल थी। क्या बोला? चुड़ैल? ओ, इसका मतलब इतने दिनों से सारी चोरियां एक चुड़ैल कर रही है। साहब जी, मैं जानता हूँ कि गांव में चोरियों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और ये सामने आया है कि एक चुड़ैल ये कर रही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम सब अपना धन और कीमती सामान इकट्ठा करके इस मंदिर में रख दें, ताकि वो चुड़ैल हमारा धन ना चुरा पाए। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। चलो जल्दी अपना धन मंदिर में रख देते हैं। ये सब क्या सोचते हैं कि
सारा धन मंदिर में रखने से मैं उसे चुरा नहीं पाऊंगी। अब तो ये मेरे लिए और भी आसान हो गया। ये क्या, ये गेट तो खुल ही नहीं रहा है। लगता है जाम हो गया है। अब क्या करूं? इस आरी से दीवार को तोड़कर बाहर जा सकती हूँ। छोड़ो मुझे। तेरा नाम का हलवा खाऊं? इतने मुश्किल से तो कब्जे में आई हो, ऐसे कैसे छोड़ दूं? सीमा, तुम, मुझे पता था कि कोई इंसान ही ये सारी चोरियां कर रहा है, इसलिए हमने ये मंदिर में खजाना रखने का नाटक किया था। और तुम्हारे अंदर जाने के बाद मंदिर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अब बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? मैं शुरू से ही गरीब थी, जिस कारण सब लोग मेरे कपड़ों और मेरे रहन सहन का मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन मुझे ये चोरी करने का ख्याल आया और पुलिस से बचने के लिए मैंने एक चुड़ैल का वेश अपनाकर चोरियां करना शुरू कर दिया, जिसके बाद थानेदार ने सीमा को जेल में कैद कर दिया। और उसी के ही चोरियां करने की बातें सुनकर सभी गांव वालों को बहुत अचंभा भी हुआ। सीमा को भी अपने किए पर पछतावा हुआ, जिसका अब कोई फायदा नहीं था। हेलो दोस्तों, आई हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।